बोल बहन मेरी सीता, तू यहाँ और उस हालत में भैया आज तक मैं तुझे गुनहगार समझती रही हूँ, अपने गोली का निशाना तुझे बनाती रही, लेकिन आज सारी हकीकत मुझे एहसास हुआ कि कानून अंधा हो गया। उर भाई मेरे सच्चाई को, भाई मेरे सच्चाई को खा गया देख लिया कि तेरा कानून अंधा है। और मैंने उस दिन तुझे भी समझाया था क्योंकि गीता यह दुनिया बहुत पैपीर है और यह अच्छाई के कदम पर चलने के बाद मजबूर कर देती है। इसलिए गीता आज तो दुनिया को लात मारकर ठुकरा कर तू आई है, तो सुन मेरी बात मेरी प्यारी बहन गीता। और मेरी प्यारी जिंदा छोड़ो न कोई अपने आंसू से अपना देश कुल सेवन की चलोगी अड्डे के पास
समझ में आया कि इंस्पेक्टर गोखले ने गलत इन्फॉर्म दी। मंत्री के कहने से गीता के हेडक्वार्टर पर असले छुपाए गए। दीवान इसका मतलब गीता गुनहगार नहीं, गुनहगार मंत्री व दिलावर है। इससे पहले कि मंत्री दिलावर का कोई और कदम किसी मासूम को गुनहगार बना दे, चलकर उन दोनों को उनकी हमेली पे गिरफ्तार कर दे। यहाँ रे दिलावर भी तैयार हो कि नहीं आया जी? दिलावर में तो पेश कराओ और आज उससे कुछ खास बात करना है। अच्छा मालिक, जैसे कहते तो सामने से आ रहे दिलावर भैया। दिलावर भैया, हाँ मंत्री जी, काफी पाप हम दोनों ने किया है, इसलिए मेरा तो जी चाहता है कुछ दिनों की रोकी। मंत्री शंभूनाथ, लेकिन इंस्पेक्टर राजा तेरी औकात कैसे हुई कि मंत्री शंभूनाथ की हमेली में पर रखने की? कितनी प्रभार जोड़ी है दिलावर मियां वो मंत्री शंभूनाथ। शंभूनाथ का मतलब शिव शंकर का दूसरा नाम शंभूनाथ भी है। अपने नाम को मिट्टी में मिला दिया हराम दादे मंत्री का बच्चा। राजा इंस्पेक्टर, बात करते तेरे दिल के अंदर जला भी दहशत नहीं पैदा हुई? तेरी वर्दी उतरवा के खूंटी में टिकवा दूंगा। चार हिलकों तक बात मशहूर है कि इंस्पेक्टर राजा बिना सबूत के किसी के दरवाजे पे दस्तक नहीं देता। मंत्री तो मंत्री तेरी आजादी के और खत्म हुए दिन रात लाया हूं मैं हथकड़ी और पहन के। इस पर राजा हम लोगों को हथकड़ी पहनाएगा तो इस पर क्यों भूल गया तू अपनी कहता कि रस्सी चल गई मगर उसका पल नहीं गया। मुझे मालूम है कि इतना टांडा फैलाने वाले इतनी जल्दी मेरे गिरफ्त में नहीं आएंगे। दीवान डाल दो, मेरा हाथ नहीं डालोगे? दिलावर जरा फोन लगाओ। हेलो पीआईजी साहब, जरा इंस्पेक्टर राजा से बात करो। लीजिए मंत्री जी, बता दो डीआईजी। हेलो कौन? डीआईजी जी, डीआईजी के बच्चे, जरा ये पुलिस का कुत्ता हमारी हवेली पे भौंक रहा है, जरा इसको समझा दे, नहीं तो इसकी वर्दी उतार के इतना जूते मारूंगा किसका भी दिमाग सही हो जाएगा। ले बात कर। सर सर जय हिंद सर। जी सर, सर मेरे पास इन दोनों के खिलाफ काफी सबूत है सर। सर एक बार मौका दीजिए मैं दोनों। क्या सर मैंने छोड़ दूं? लेकिन सर जी ओके सर सर करने लगे नीचे से हवा निकल गई। तूने डीआईजी का सहारा लेकर अपने आप को बचा लिया, लेकिन याद रहे कहता कि माम का माम पत्थर को पिघलते देखा। अरे माम का माम पत्थर को पिघलते देखा और तू जैसा आराम चाहते को जेल में सर दे। सोच नहीं कर पाएगा दिलावर भाई। ए दिलावर भाई, ये तो समस्या कुछ देखा? मैंने राजा की आंखों में सुअर का मार देखा है, इसलिए मेरा जी चाहता है इस पत्थर गोखले। मंत्री साहब कहो, बहुत दुनिया वाले को बेवकूफ बना चुके हैं और उनके साथ साथ हमें भी बेवकूफ बना चुके हैं। लेकिन क्यों? कहा था कि आगे प्रमोशन हो जाएगा, जितिया की वर्दी उतर गई लेकिन हमारा प्रमोशन आज तक नहीं। अरे प्रमोशन हो जाएगा लेकिन आज नहीं। चलो हमारे साथ परिणाम में चलते हैं, गोमती मैया में स्नान करेंगे, उसके बाद लालता मैया के दर्शन, उसके बाद तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। अगर ये बात है मंत्री साहब तो पढ़ा पैगाम आप जो है नींद मार तो है ना, गोमती में स्नान करोगे
ललता पंजा का ध्यान करोगे और दिलावर मियां को इसी प्रकार छोड़ दोगे। अगर ये बात है तुम लोग जाओगे नए में साल की तो दिलावर में कहा जाएगा मैं भी अजमेर चला जाऊंगा क्योंकि वहां पे हमारे ख्वाजा साहब है। तो खैर बात हर एक इंसान की बिगड़ी बनाते हैं, बिगड़ी मेरी बना दे चुपचाप यहां से निकलता हूँ और ये सारे है कि इंसान को इंसान अजमेर चला जाऊंगा। इसीलिए मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ और तुम परेशान रह रहा हो यहां आओ कहां बताओ क्या लेने आए हो रे हां हम लोग कौन हैं जब कहीं तीर्थ यात्रा जाने का समय होता है हां इन्ना जानी भिख मांग के कहां से आ जाते हैं हां भिख मांग के और कौन आई जगह कौन हैं ये है तेरे बाप और ये है तेरी बुआ। हम लोग डाकू हैं डाकू नहीं बोल पाते रे साले चमगादड़ हां हां हम लोग झाटू हैं रे झाटू झाटू ना उतार साहब तुम बढ़िया इंसान हो यार देखो ऐसा है हम लकड़ी कटा रहे तुमको छोड़ दे रहा हूँ एका जो उतार और तुम जाओ यहाँ से वर्दी पाने के लिए बहुत खोया है मैंने लेकिन अब तुम्हारी भैया चुचे हुए हैं जल्दी से वर्दी को उतार इका निकालो साहब निकाल दे यार कहाँ जा रहे हो मुल्ला मुल्ला जी अरे मंत्री वर और चल के वर्दी ये न्योता खराब हो गई क्या Oh,
अरे बहुत अच्छे इंसान पूरे पहाड़िया इसकी लाश को और डाल दो जंगल में कहीं झील को नहीं हम लोग सहारा लगा रहे घूमत तो है नहीं उठे भी कैसे हम मोदी का पता खात रहा सरदार जी हमरे बस का नहीं है तू यहाँ लगाओ ना हमरे बस का हमारी पूरी सब चतराई लगी है अब हमारे बस का नहीं है ले जाके यहाँ पर रह दियो हुआ यह सर ये बड़ी गवाह होती है।